दादू 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 दादू। अरे शैतानों, आज तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे पिताजी, मेरे गुरु, जिनसे मैंने सीखा आगे बढ़ना और जीतना। बड़ों में बड़े, बच्चों में बच्चे, दाता जैसे महान और सच्चे। आज मैं जो कुछ भी हूं इन्हीं के आशीर्वाद से हूं। इन्होंने हमेशा मुझे कुछ न कुछ दिया, मांगा कभी कुछ नहीं। मगर कल रात जीवन की शाम होने को आई, कितने साल हमने साथ में बिता दिया, इतना सब कुछ कब कैसे हुआ कुछ पता ही नहीं चला। बस एक बात का अफसोस है मुझे, तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाया। वो सपना है इस किराए के मकान में दफन होके रह गया। मैंने वादा किया था तुमसे एक बड़ा सा मकान बनाऊंगा, उस घर में सारा परिवार सुख चैन से रहेगा। परिवार तो सुखी हो गया, बस अपना घर नहीं बन पाया। तब अचानक मुझे एहसास हुआ, उनका भी तो हो सकता है अपना कोई सपना। शायद जाने अनजाने में वो सपना कुर्बान हो गया मुझे बड़ा बनाने में। पिताजी ने आज तक जो कुछ भी मुझे दिया वो मैं उन्हें लौटा तो नहीं सकता, लेकिन उनका कम से कम एक सपना तो पूरा कर सकता हूं। मगर कैसे? क्या बात है दीदी, आप इतनी उदास क्यों? क्या बताऊं शालिनी, पति ऑफिस के काम में दिन भर बिजी रहते हैं और बच्चे आधा दिन स्कूल और आधा दिन खेल कूद में लगे रहते हैं। ऐसे में घर में अकेले दिल नहीं लगता, इसलिए तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तो क्या हुआ दीदी, ये भी तो आप ही का घर है ना? सो तो है शालिनी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारा सब कुछ कितना अच्छी तरह से चल रहा है, तुम अपने पति की तरह अच्छा खासा कमा भी लेती हो, और मैं वही के वही रह गई सिर्फ हाउसवाइफ बनकर। तो दीदी, इसमें निराशा की कौन सी बात है, आपने भी तो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं। सो तो ठीक है, पर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं खुद अधूरी रह गई हूँ। पूरी जिंदगी चूल्हे चौके में निकल गई, ऊपर से बढ़ती महंगाई, चीजों की कीमतें जैसे आसमान छू रही हूँ। पढ़ी लिखी हूँ फिर भी अपने पति का कोई हाथ नहीं बटा पा रही हूँ। शालिनी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस उम्र में ऐसा कौन सा करियर चुनूं जिससे मेरे परिवार की आमदनी बढ़े, मेरा अकेलापन दूर हो और मेरी एक अलग पहचान हो। आओ शायद मियां, आज फिर आधा घंटा लेट। सॉरी। ये क्या है चाचा? वो 150 रुपए। हाँ वो मुझे भी दिखाई दे रहा है, अंधा नहीं हूँ। आज फिर दिखा दिया हाथ की सफाई? ऐसा मत बोलो चौधरी चाचा, गरीब हूँ मगर चोर बेईमान नहीं। तो क्या मैं हूँ चोर बेईमान? शिफ्ट के 250 होते हैं तो 150 क्यों, बाकी के 100 क्या हुए? चाचा वो एक टायर पंक्चर हो गया था। ऐसा कैसे चलेगा? देखो तुमसे नहीं चलता है तो साफ साफ बोल दो, मैं किसी और को दे दूंगा ये ऑटो। चाचा मेरी बात तो सुनो, 2 घंटे तो वो पंक्चर बनवाने में निकल गए, 6 घंटे भी धंधा नहीं हुआ। ऑटो चला चला कर जितना कमाता हूँ उसमें से तुम्हें देने के बाद सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुड़ पाती, वो भी बहुत मुश्किल से। चाचा अपनी राम कहानी बंद करो और साफ साफ सुन लो मेरी बात, अगर शिफ्ट के पूरे 250 रुपए दे सकते हो तो कल सुबह आकर ही ऑटो ले जाना, वरना अपनी शक्ल भी मत दिखाना। चाचा मगर मेरी बात तो सुनो चाचा। ऑटो की लाइन में आकर बुरी तरह से फंस गया हूँ इस बारिश पानी में
एक तो धंधा ठीक से नहीं चलता, ऊपर से इनकी झिकझिक, जान तोड़ मेहनत करके चोर कहलाओ, क्या फायदा ऐसे काम, इससे तो अच्छा है किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करो, मगर वो भी मुश्किल, कौन देगा मेरे जैसे आठवीं फेल को नौकरी, दिल से चाहता हूँ मेहनत करके कोई अच्छा मकाम हासिल करूँ, लेकिन कैसे, कोई अच्छा रास्ता तो मिले। ओ भगवान, ये कैसा अन्याय है, ये कैसी कलम से लिखा है तूने, हम गरीब किसानों का नसीब खून पसीना मिट्टी में मिलाते मिलाते आधी से ज्यादा उम्र बीत गई, दिन रात कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी साल के 6 महीनों भूखों मरना पड़ता है। अभी 2 साल पहले ही तो उधार लेकर बैलों की जोड़ी खरीदी थी, पर सूद नहीं चुका पाया, मुद्दल भी गया और दोनों बैल भी गए, मैं क्या करूं, कैसे करूं जमीन की बुआई, कैसे बीज बोऊं, कई सालों से एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए सोच रहा हूं, पर उसके लिए पैसे कहां से लाऊं, कहां से लाऊं पैसे भगवान। जरूरतों का बड़ा सा पिटारा, आमदनी जैसे कुएं का तारा, और ये बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई, ये समस्या सिर्फ 2-4 इंसानों या घरों की नहीं है। विज्ञान की तरक्की ने मनुष्य को चांद सितारों तक पहुंचा दिया, लेकिन आज भी 100 में से लगभग 80 लोग गरीबी की रेखा से नीचे खड़े हैं, हसरत भरी निगाहों से कामयाब इंसानों को देख रहे हैं, कोई अपनी किस्मत को कोस रहा है तो कोई भाग्य लिखने वाले को दोष दे रहा है। क्यों है आज इंसान इतना परेशान, क्यों नहीं मिल पाता उसे मुसीबतों का समाधान। हम भारतवासियों का तो मानना ही यह है कि कर भला तो हो भला, आखिर कहां खो गए वो सच्चे इंसान जो अपने पड़ोसी को भूखा देखकर व्याकुल हो जाते थे। अपने हमसाए को फाकों से बचाने वाले क्या हुए लोग, वो मिल बांट के खाने वाले। जगाना होगा सोई हुई आत्मा को, एक बार फिर मनुष्य को दिखाना होगा पुण्य कर्मों का रास्ता। तो क्या कोई है, कोई रास्ता है जो जरूरतमंद इंसानों को खुशहाल बना दे, चुनौतियों से लड़ना सिखा दे, एकजुट होकर चलना सिखा दे। जी हां, एक रास्ता है, सहकारिता। मिट्टी भी सोना बन जाती है जब साथ देता है लक, छोटे हाथ बड़े काम कर दिखाते हैं जब साथ देता है लक, सपने साकार हो जाते हैं जब साथ देता है लक, जीरो भी हीरो बन जाता है जब साथ देता है लक। हर आदमी ढूंढता रहता है जिंदगी भर अपना लक, तलाश पूरी हुई क्योंकि अब आपके साथ है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी लक। लक द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। लक, मेहनत करके सफलता की मंजिल पाने वाले जवां मर्द हिंदुस्तानियों का एक प्रगतिशील संगठन। लक, एक ऐसा लक जो हमेशा आपका साथ निभाएगा। वो देखिए बाहें फैलाकर आपको बुला रहा है। शालिनी, आपका अपना लक। शालिनी, 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 शालिनी। क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? पिताजी का सपना बहुत जल्दी पूरा होगा और हमारा खुद का अपना एक बहुत बड़ा घर होगा। मगर उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए ना? पैसों का इंतजाम तो हो गया सब। इतनी जल्दी कोई जादुई चिराग मिल गया है क्या? उससे भी बढ़कर चीज मिली है मुझे। आखिर क्या मिला है बताओ तो सही। लक मिल गया मुझे, लक। लक मतलब नसीब? नहीं शालिनी, LUCC, लक। शाबाश अजीत, तुमने मेरी बात मानी और लक के मेंबर बन गए। आज्ञाकारी तो तुम हो ही, अब एक संस्कारी और जुझारू पुरुष के समान इस पुण्य पथ पर आगे बढ़ो।
और दूसरों को भी नेकी और भलाई का रास्ता दिखा। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लक एक ऐसी कारोबारी सोसाइटी जो बैंकों की तरह काम करती है, लेकिन ये सोसाइटी अपने खातेदारों को बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट देती है। पर बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट वो कैसे? लक का सदस्य बनते वक्त मैंने भी ये सवाल पूछा था और तब पहली बार मुझे पता चला। देखिए, एक बैंक में किसी भी रूप में जितनी भी धनराशि जमा होती है उसका तकरीबन एक तिहाई हिस्सा उस बैंक को रिजर्व बैंक के पास SLR और CRR के तौर पर रखना पड़ता है। इसके अलावा उस बैंक को अपने मुनाफे पर सरकार को इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है। इस तरह एक बैंक के पास 100 में से 65 रुपए बचते हैं जिनसे वो व्यापार करते हैं। लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को न तो किसी तरह का कोई टैक्स देना पड़ता है और न ही रिजर्व बैंक के पास रिजर्व फंड रखना पड़ता है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी 100% जमा धनराशि से व्यापार कर सकती है, जिसके कारण उसे बैंकों से ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा हमारी सोसाइटी वैधानिक परिस्थितियों के अनुसार रियायती दरों पर कर्ज देने की भी पाबंद नहीं है, इसीलिए वो अपने सदस्यों को ज्यादा इंटरेस्ट देती है। एक और भी बहुत अच्छी बात है। वो क्या? जब हम इस सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, कोऑपरेटिव प्रमोटर बनकर हम एक बहुत ही फायदेमंद करियर शुरू कर सकते हैं। जब हम दूसरों को बचत के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो इस जनसेवा के लिए सोसाइटी की ओर से हमें एक बहुत अच्छा अमाउंट दिया जाता है। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी सोसाइटी है। बिल्कुल, तभी तो मैं इसका मेंबर बना। और हाँ, इस सोसाइटी में पुरुषों की तरह ही महिलाओं के लिए भी काफी सारे प्लान्स हैं। इसका मतलब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज महिला सशक्तिकरण का सबसे बेहतरीन रास्ता है। रज्जो, ये ले तेरी इस महीने की तनख्वाह और हाँ, कल वक्त पे आ जाना। मैम साहब, ये आपके पास ही जमा कर लो। मेरे पास? मगर क्यों? अब क्या बताऊँ मैम साहब, आपको तो सब पता है मेरा घर वाला कैसा पियक्कड़ है। ये पैसे घर में रखूंगी ना तो सब शराब में डुबा देगा। आपके पास रहेंगे ना तो जमा भी हो जाएंगे। अभी तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, बेटी का ब्याह भी करना है। ब्याह? पर तेरी बेटी तो बस 2 साल की है। हाँ मैम साहब, लेकिन 16-17 साल बाद तो जवान हो ही जाएगी ना। अच्छा अच्छा बाबा, मैं समझ गई। लेकिन रज्जो, मेरे पास पैसे रखकर भी कोई खास फायदा नहीं होगा। कपड़े लत्ते गहने इन सारी चीज़ों की कीमतें वक्त के साथ बढ़ती जाएंगी और पैसे का मूल्य कम होता जाएगा। वो तो है। अब जरा सोच, कुछ भी करके तूने 1-2 लाख जोड़ भी लिए तो भी जब तक तेरी बेटी बड़ी होगी उन पैसों की कीमत आज के 10-20 हज़ार से ज्यादा नहीं होगी। फिर मैं क्या करूँ मैम साहब? तू एक काम कर, हमारी सोसाइटी में एक बचत खाता खुलवा ले। इससे तेरी मेहनत की कमाई सुरक्षित भी रहेगी और तुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। और हाँ, तुम्हारे जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए हमारे पास एक स्कीम है और वो है धन की पेटी। धन की पेटी? मतलब? मतलब तो कुछ रुपए 18 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में अगर रखेगी तो तुझे 10 गुना पैसे मिलेंगे। 10 गुना ज्यादा? मतलब अगर मैं 10 हज़ार रखूं तो 18 साल बाद मुझे 1 लाख मिलेंगे और अगर मैं 50 हज़ार रखूं तो 5 लाख। बिल्कुल। मैम साहब, ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैम साहब, ये खाते वाते की लिखा पढ़ी में मुझे समझ में ही नहीं आती। वो सब मैं संभाल लूंगी। आपको तो मालूम है कि मैं ऑटो चलाता हूँ, जेब में कभी भी 25-50 से ज्यादा रहते ही नहीं। अब जाके बचत खाते में इतने कम पैसे जमा करूँगा तो बहुत शर्म आएगी। सोचता हूँ कोई अच्छी रकम जमा करके फिर बैंक में जमा करूँ, पर सारी प्लानिंग वहीं की वहीं रह जाती। कभी वक्त नहीं मिलता तो कभी ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अजीत भाई, मैं समझ सकता हूँ शाहिद, लेकिन इसका भी उपाय है हमारे पास। वो क्या अजीत भाई? हमारे सोसाइटी में गुल्लक सिस्टम है। गुल्लक सिस्टम? जी हाँ, गुल्लक सिस्टम, जिसमें आपको एक ताला बंद गुल्लक दिया जाता है और आप अपने सहूलियत के हिसाब से रोजाना थोड़ी थोड़ी राशि इसमें जमा कर सकते हैं और जब आप चाहें तब सोसाइटी का कोई भी एक सदस्य आकर ताला खोलेगा और आपकी जमा राशि ले जाकर आपके बचत खाते में जमा कर देगा। और जितने ज्यादा पैसे जमा होंगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको। सच में ये तो कमाल का सिस्टम है।
इस तरह तो कोई भी इंसान घर बैठे आसानी से पैसे जोड़ सकता है। गुल्लक और धन की पेटी जैसे ही दो और भी फायदेमंद स्कीमें हैं। एक है 6 साल में 2 गुना। इसके अंतर्गत आप जो भी रकम फिक्स डिपॉजिट करेंगे उसका 6 साल में आपको 2 गुना मिलेगा। दूसरी स्कीम है रिकरिंग डिपॉजिट। इस योजना के अंतर्गत आप तय की गई मंथली, क्वार्टरली, छमाही या सालाना तारीख पर तय की हुई राशि डिपॉजिट कर सकते हैं, जिस पर आपको बचत खाते से कुछ ज़्यादा रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस स्कीम से बचत करने की आदत को बढ़ावा मिलता है। वो सब तो ठीक है मैम साहब, लेकिन मेरा पैसा वहाँ पे सुरक्षित तो रहेगा ना? एकदम सुरक्षित। जी हाँ बिल्कुल। एक्ट 2002 के तहत भारत सरकार ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में किए गए सदस्यों के निवेश की सुरक्षा के लिए बहुत ही सख्त कानून और नियम बनाए, जिनका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को हर हाल में पालन करना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की धारा 66 के अंतर्गत कोई भी सोसाइटी अपने शेयर्स को गिरवी रखकर उधार या अग्रिम नहीं दे सकती। इसके अलावा कुल जमा राशि का 10% शेयर पूंजी एवं रिजर्व फंड के रूप में हमेशा सुरक्षित रखना पड़ता है। इन सभी बातों के लिए हमारी सोसाइटी पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। मगर अजीत भाई, ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी असल में है क्या? ये एक ऐसा संगठन जो माली परेशानियों में घिरे आम इंसानों को उन्नति के अच्छे मौके देकर उन्हें खुशहाल बनाना चाहता है। लेकिन हमारी ये सोसाइटी बाकी कंपनियों से काफी अलग है। जैसे रिलायंस, टाटा स्टील, इन सब कंपनियों में मालिकाना अधिकार सिर्फ कुछ दौलतमंदों के हाथों में होते हैं। वहां आप नौकरी कर सकते हैं लेकिन मालिक कभी नहीं बन सकते। जबकि इस सोसाइटी में आप उपभोक्ता तो होते ही हैं और साथ ही साथ इसमें होने वाले मुनाफे के बराबर हिस्सेदार भी होते हैं। जी हाँ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ढांचा ही कुछ इस तरह का है कि इस पर कोई भी पूंजीपति कब्जा नहीं कर सकता और ना ही कोई इसे विरासत के रूप में किसी के नाम कर सकता है। ये संगठन पूरी तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलता है। यहाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, जिसके जरिए अलग अलग ओहदों के लिए ओहदेदारों का चुनाव किया जाता है। इस संगठन के कारोबार में सोसाइटी के सदस्य बराबर के मालिक होते हैं। सभी सदस्यों को उनकी जमा राशि के हिसाब से मुनाफा डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। यहाँ एक और बात बहुत ही खास आपको बता दूं, खुद बैंकों के कर्मचारी भी आपस में मिलजुल कर एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं और उसे अपने भविष्य के लिए बचत का एक बहुत ही सुरक्षित माध्यम मानते हैं। यानी मैं भी सोसाइटी में कोई ओहदेदार बन सकता हूँ? ऑफ कोर्स। हर वो मेंबर जो मेहनत और लगन से काम करता है इस सोसाइटी में अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम भी मेरी तरह दूसरों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले लो और अपने कर्तव्य का ध्यान पूर्वक पालन करो तो आपको इसके साथ साथ एक अच्छा करियर भी मिल सकता है, जिसमें तुम दुआओं के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी कमा लोगे। क्या यह कोई सरकारी संगठन है? सहकारी नियमों के अंतर्गत हमारी सोसाइटी को सरकारी अनुमति भी हासिल है। लेकिन यहाँ पर यह जान लेना भी जरूरी है कि जिस किसी सोसाइटी का कार्यक्षेत्र एक राज्य तक सीमित होता है उस सोसाइटी पर उस राज्य के अधिनियम लागू होते हैं, और जिस सोसाइटी का कार्यक्षेत्र एक से अधिक राज्य में फैला हुआ है उस पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 लागू होता है, और जिस राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं होता वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 लागू होता है। अरे वाह, तब तो ये सोसाइटी एकदम लीगल है। जी हाँ, लख बाकायदा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत हुई है। पंजीकरण के समय रजिस्ट्रार द्वारा बताए गए उप नियमों तथा समय समय पर रजिस्ट्रार द्वारा किए गए संशोधन के तहत ही ऐसी सोसाइटी को काम करना पड़ता है। इसके अलावा सरकारी अफसरान भी नियमित रूप से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की निगरानी करते हैं, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह सोसाइटी और उसके सहकारियों के हाथों में ही रहता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सिलसिला है। बात तो समझ में आ रही है, पर एक सवाल है, क्या दूसरे बैंकों की तरह इस सोसाइटी ने भी
आरबीआई का लाइसेंस लिया है? नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो इसका जवाब पूरे ध्यान से सुनिए और समझिए। आरबीआई, आईआरडीए या सेबी का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई रिलेशन नहीं है। आरबीआई बैंकों को गवर्न करता है, आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनियों को गवर्न करता है और सेबी गवर्न करता है कारोबारी कंपनियों को। लेकिन हमारा संबंध सीधे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से होता है। पोंजी स्कीमों की आड़ में जालसाजी करने वाले अब तक करोड़ों लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। पैसा हड़प करना इन जालसाजों का पहला और आखिरी मकसद होता है। ये शातिर चोर कम समय में दो गुना और चार गुना करने के ऐसे ऐसे झूठे ख्वाब दिखाते हैं कि इनके झांसे में अनपढ़ जरूरतमंद ही नहीं फंसते, पढ़े लिखे इंसान भी फंस जाते हैं। ऐसे ही फर्जीवाड़ों पर अंकुश लगाने तथा इनके बारे में प्रत्येक नागरिक को सचेत करने के लिए भारत सरकार ने आरबीआई, आईआरडीए, सेवी, एनएचबी, पीएफआरडीए, आरओसीएस, सीआरसीएस, राज्यों के होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट तथा पुलिस डिपार्टमेंट को संगठित करके बनाई है एक कमेटी एसएलसीसी यानी स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसने हाल ही में गूगल पर लॉन्च की है वेबसाइट सचेत। इस वेबसाइट द्वारा एक तरफ आप आरबीआई और सेबी के माध्यम से देश में होने वाली आर्थिक उपलब्धियों के बारे में जान पाएंगे, दूसरी तरफ फर्जीवाड़े करने वालों की असलियत से भी बखूबी परिचित हो जाएंगे। इस तरह की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ धोखेबाजों के खिलाफ समय रहते एक्शन भी ले सकेंगे। ये वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। हम आरबीआई और उनके सहयोगियों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कारामद वेबसाइट सचेत लॉन्च की। अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करें, किस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका निवेश सुरक्षित रहेगा, इस तरह की भी तमाम जानकारियां आपको मिलेगी वेबसाइट सचेत पर। एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों से आरडी, एफडी, एमआईपी, बचत खाता आदि के रूप में राशि स्वीकार कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें लोन भी दे सकती है। तो फिर इस सोसाइटी में और बैंक में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर। सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि बैंक में आप सिर्फ ग्राहक होते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप उपभोक्ता होने के साथ साथ सभी तरीके से भागीदार भी होते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क और भी है, बैंक व्यापारियों को और कारोबारी कंपनियों को कर्जे तो दे सकते हैं, मगर कोई भी बैंक अपना खुद का व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में सहयोगियों को कर्जे भी दिए जा सकते हैं और उनके साथ मिलजुल कर बड़े से बड़ा कारोबार भी किया जा सकता है। और जैसे जैसे कारोबार बढ़ता जाता है वैसे वैसे सोसाइटी को मुनाफा भी बढ़ता जाता है और इस तरह आपको डिविडेंड के रूप में होने वाली आमदनी में भी इजाफा होता है। इतने बड़े कारोबार के लिए तो बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, जो हम जैसे आम इंसान के पास कभी होती ही नहीं। 4 साल से एक नया ऑटो खरीदना चाहता हूँ, नया तो क्या सेकेंड हैंड भी नहीं ले पाया और मैं आज तक ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, ये शायद प्रकृति का नियम है। जन्म लेते ही जरूरतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बड़ी होती जाती हैं। स्कूल से कॉलेज तक की शिक्षा, उसके बाद शादी, अपना घर, बच्चों की परवरिश और शिक्षा। ऐसे में आमदनी कम हो तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली हालत हो जाती है। आमदनी अच्छी हो तब भी कई बार वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ जाता है, कारण जो भी हो, लेकिन हर इंसान को कभी ना कभी आर्थिक सहायता की जरूरत पेश आ सकती है। कई लोग बाजार से ऋण लेने की बजाय बैंक के पास जाते हैं, लेकिन बैंकों के कायदे कानून और शर्तों को हर एक जरूरतमंद पूरा नहीं कर पाता, अतः वह मजबूरन गैर कानूनी रूप से कर्जे देने वालों के पास पहुंच जाते हैं और ब्याज दर ब्याज के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं।
जब आप सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं तो आपकी चिंता सोसाइटी की चिंता बन जाती है, और आप जैसे जरूरतमंदों के हाथ और मजबूत करने के लिए सोसाइटी में सदस्यों के लिए कई तरह की लोन दी जाती है, जैसे कि गोल्ड लोन। आप अपने सोने के ऊपर लोन पा सकते हैं। लोन? ना भाई ना, एक बार बैंक से लोन लेने की कोशिश की थी, कई महीने झूठियां घिसने और टांगे तोड़वाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। बैंक वालों ने ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी कि बस तौबा ही भली। मजबूर होकर जोरू के गहने बाजार में गिरवी रखे, तब जाकर दो बैल खरीदे, कर्जा ले लिया और गले में अटक गया। ऐसा क्या हुआ चाचा? होना के था, सूद पर सूद बढ़ता गया। दिए थे 40,000, देने पड़े 2,00,000। बैल भी गए और जेवर भी गए। कभी कभी तो मुसीबतों से परेशान होकर ये दिल चाहता है कि सारे घर वालों को जहर देकर मार डालूं और खुद भी आत्महत्या कर। अरे आप घबराइए मत, इस सोसाइटी में जो आप जेवर गहने रखते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, और आपकी लोन की राशि पूरी होते ही वो आपको लौटा दिए जाते हैं। जो भी सिस्टम है वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। मेरा भारत महान। फिर भी 100 में से 80 परेशान। बरसों पहले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान की विचारधारा घर घर पहुंचाई थी, तब थोड़ा बदलाव आया था, मगर आज भी कृषि व्यवसाय बहुत मुश्किल भरा है। बारिश कम हो या समय पर ना हो तो फसलें बर्बाद, फसलें बहुत ज्यादा अच्छी हो तो भी परेशानी। कई बार अनाज की पैदावार जरूरत से अधिक हो जाती है, मंडियों में गेहूं चावल वगैरह इतनी बड़ी मात्रा में आ जाते हैं कि उनके लिए खरीददार कम पड़ जाते हैं। ऐसे में किसान कड़ी मेहनत से उगाए गए अनाज को या तो कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर अनाज को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। दोनों ही परिस्थितियां किसान वर्ग के लिए हानिकारक होती हैं, और ऐसे ही कई कारणों से हमारे कृषि प्रधान देश में आए दिन किसान भाई आत्महत्या करते रहते हैं। लोन अगेंस्ट क्रॉप, गेहूं चना मटर और मसूर आदि बहुत ही नाजुक अनाज होते हैं जिन्हें सुरक्षित रखना किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर पर्याप्त जगह ना हो तो ये अनाज बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। उसके लिए लक लोन भी देती है। इसके लिए आपको सोसाइटी के पास कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। ये लोन फसल के ऊपर दिया जाता है, कृषि लोन, जो किसान भाइयों को कृषि में काम आने वाली बहुत सी चीजों के लिए दिया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्यूबवेल के लिए, वाटर पंप तथा बीज आदि। इस तरह की सहायता से कृषि व्यवसाय भी उन्नत होगा और किसान वर्ग के आर्थिक हालात भी बेहतर होंगे। इसके अलावा किसान भाई सोसाइटी से पशु पोषण लोन भी ले सकते हैं। ये पशु पोषण लोन क्या है अजीत भाई? हमारे किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ दूध का व्यवसाय भी करते हैं। दूध का व्यापार तो मैं भी करता हूँ। मेरे पास एक गाय और एक भैंस है, उनमें से जितना भी दूध मिलता है उसमें से आधा घर परिवार के लिए रख देता हूँ, बाकी बचता है 4 या 5 लीटर, उससे बहुत कम आमदनी होती है। आपकी यही आमदनी बढ़ाने के लिए सोसाइटी ने बनाई है पशु पोषण लोन स्कीम। ये लोन लेकर आप ज्यादा पशु खरीद सकते हैं और आपके दूध के व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो बहुत फायदेमंद है। एक और लोन भी है, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन यानी छोटे मोटे कर्ज। कई बार बड़ी बड़ी जरूरतों में उलझ कर हम छोटी छोटी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया करते हैं। अक्सर आपने देखा है मार्केट में टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ऐसे कई सारे औजार आए जिन्हें हम कभी अपने लिए तो कभी अपने परिजनों के लिए खरीदना चाहते हैं। ऐसे में कभी हमारे पास पूरी राशि नहीं होती या किसी दूसरे बड़े काम में पैसा लगाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस तरह की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम सोसाइटी से लोन ले सकते हैं। भाई वाह, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अब तो मैं भी अपनी मेहनत से एक नया ऑटो खरीदूंगा। मगर अजीत भाई, आपने कहा था वो कॉपरेटिव प्रमोटर। हाँ वही, क्या मैं बन सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। मगर ये सब होगा कैसे, क्योंकि दूसरों को समझाना इतना आसान नहीं होता। हाँ वाकई, ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार दिल से ठान लें तो कुछ मुश्किल नहीं होता। और हमारे सोसाइटी में नए सदस्यों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आपको पूरी तरह प्रशिक्षित करके दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए ट्रेन किया जाता है। अपने लक्ष्य को खुद निर्धारित करो, अपने सपने बड़े करो। आज तक इस दुनिया में
जिस जिसने अपने नाम का परचम लहराया है वो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ सपनों का सदा है। तो अगर नॉर्मल तरीके से जिंदगी रही और नॉर्मल तरीके से मरा तो मरने से पहले 1 करोड़ लोगों को करोड़पति बनाना है। You have to learn to think big. तनख्वाह आती है, तनख्वाह आने के बाद तुम डिसाइड करते हो कि अब जिंदगी इस तनख्वाह के हिसाब से जीना है। लानत ऐसी तनख्वाह पे। तुम डिसाइड करो कि तुमको कैसे जीना है, उसके बाद लेके आएंगे। तुमको सब मालूम है या नहीं है? बिजनेस प्लान क्लियर है कि नहीं है? पता है ना तुमको? मालूम है ना कि अगर कितना कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो लेकिन उसके लिए जुनून में आना पड़ेगा। रोज सुबेरे उठ मास्टर, तूने तो अंदर तो वो कला है जो लोगों के अंदर जा सकती है। हर रोज ऐसे उठने का है कि जैसे मेरी आखिरी जिंदगी है, ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर ऐसा सोच के चलेगा तो फिर क्या क्या करना चाहेगा? हो सकता है कल ही ठोक दूंगा, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले दिन, नहीं तो अगले दिन, नहीं तो अगले दिन, नहीं तो अगले दिन। एक दिन आएगा वो लक्ष्य मेरी मुट्ठी में आएगा। कितने लोग हैं जिनके पास मुर्दा अभी भी कायम है? है कायम मुर्दा? तो याद रखना, कल से आकाश की रैली होनी है और हमारा एक ही मकसद है, दुश्मन घर में बैठा है या अंदर बैठा है या बाहर बैठा है, और खुद उसको मारेंगे लेकिन अपनी आंखें की आजादी को पा करेंगे। क्योंकि जंग रहमत है दानत, अब ये सवाल ना उठा। जंग जब आ ही गई है तो रहमत होगी, और दूर से नजर ये वो शोरों का सलाम उसी दोजख के किसी कोने में चलना था। ये सच्चाई अब पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि देशवासियों के आर्थिक हालात बेहतर बनाने तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। और ये कोई नई सोच नहीं है, मिलजुल कर काम करने का ये तरीका दुनिया भर में एक बहुत ही कामयाब सिस्टम साबित हो चुका है। सहकारिता हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों में रची बसी है। मानव समाज में कोऑपरेशन का ये सिलसिला हजारों सालों से प्रचलित है। एक परिवार की तरह रहने और आपस में मिलजुल कर काम करने से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो सकती है। सहकारिता हमारी आदत भी है और ज़रूरत भी। एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन कई लकड़ियाँ एक साथ जुड़ जाएँ तो उन्हें तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सहयोग की इसी ताकत के बल पर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो चुकी है। हमारे देश के भी कई बड़े बड़े क्रांति दूतों ने बहुत सालों पहले सहयोग की ताकत को जान लिया था और इसे बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया था। कोऑपरेटिव सोसाइटियां ग्राम विकास के लिए न सिर्फ उपयुक्त माध्यम है अपितु ग्रामीणों द्वारा सामूहिक विकास को आगे बढ़ाती है। महात्मा गांधी। मेरे दृष्टिकोण में सहकारिता को भारत की आम सोच बनाने के लिए इसे ग्रामीण और देशज व्यक्ति से जोड़ा जाना जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे दृष्टि में भारत की उन्नति के लिए कोई भी माध्यम सहकारिता से अधिक प्रभावी नहीं है। वल्लभ भाई पटेल। तो क्या इस सोसाइटी का कोई भी सदस्य बन सकता है? जी हाँ, क्यों नहीं। और हर वो इंसान जो हमारे और सहकारिता के विचारों से सहमत है, जो आर्थिक आजादी पाना चाहता है तथा अपने साथ साथ अपने ही जैसे दूसरे लोगों को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता है, वो इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। चाचा अब ज्यादा सोचो मत, फौरन लक में बचत खाता शुरू कर दो। अगर शाहिद अभी भी अगर मगर चाचा मियाँ अकेला चना तो भाड़ भी नहीं फोड़ सकता। अगर इस गरीबी की मैयत उठानी है तो हमें आपस में 4 कंधे जोड़ने ही पड़ेंगे, क्यों अजीत भाई? जी चाचा जी, अगर अभी भी सोचते रहोगे, आज तक जो करते आए हो वही करते रहोगे तो मिलेगा भी वही जो आज तक मिलता आया। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, तो ठोस कदम हमें आज ही उठाने होंगे। फसल उगानी है तो बीज तो बोने होंगे ना। तो भी ठीक है, अच्छी फसल के लिए बीज बो ही देते हैं। ये हुई ना मर्द वाली बात चाचा, क्यों अजीत भाई?
महंगाई महंगाई, कब तक चिल्लाओगे? इस तरह कुछ नहीं पाओगे। रोने धोने से नहीं गलने वाली किसी की दाल, बहुत ही मोटी है इस बिगड़े हुए सिस्टम की खाल। सुरक्षित करना है अगर अपना आज और आने वाला कल, तो एक बार फिर उठाओ मजबूत इरादों के हल। कमर कस के मैदान में उतरना है, कल गैरों से लड़े थे आज अपनों से लड़ना है। चुनौतियों ने है फिर ललकारा, जब तक न मिले गरीबी से छुटकारा, तब तक हर पल हर सुबह हर शाम, रुके बगैर लगातार लड़ना है ये संग्राम। सुधारना है अपनी अर्थव्यवस्था का हाल, जलानी है अब एक क्रांति की नई मशाल। दोस्तों, समय आ गया है, प्रगति की इस धारा से जुड़ जाइए, लक से हाथ मिलाइए। चल छोड़ दे तालम तोल बंदे, अकल का खाता खोल बंदे, आगे बढ़ के तलाश कर ले अपना कारोबार। चल उठा हिम्मत की ढाल बंदे, आज दिखा सम्मान बंदे, कोशिश करने से ही मिलेगा मंजिल का निशान। कुछ में है जुनून तो जिंदा है लहू तो मान ले, आज ही से आने वाले कल की कर तैयारियां। लक से मिलती है जुर्रत, लक है बंदे की ताकत, लक से ही बदले किस्मत, लक है मौला की रहमत। लक से मिलती है जुर्रत, लक है बंदे की ताकत, लक से ही बदले किस्मत, लक है मौला की रहमत। State Credit and Thrift Cooperative Society.